वेलकम बैक। वापस एक बार एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। यहाँ पे वापस किताब के अंदर एक नया टॉपिक दिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक स्क्वायर दिया गया है और उसके अंदर भी एक छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं और आधा पिक्चर हमें बना के दिया हुआ है और उसी को ऑपोजिट हमें आधा पिक्चर पूरा करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो किस तरह से ये पूरा पिक्चर रिवर्स में पूरा होता है, तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, काम शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले अंडर का पार्ट यहाँ का, एकदम हल्के हाथ से ड्राइंग तैयार करें। अगर कोई गलती होती है तो हम उसको सुधार सकें। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस काम करते हुए चले, जैसा भी होता है करते रहिए। हल्के हल्के हाथों से हमें काम को तैयार करना है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल रिवर्स में काम कर रहा हूँ और ड्राइंग को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरा ड्राइंग तैयार हो गया है। अब हम स्केच पेन की मदद से इसके अंदर कलर करेंगे आउटलाइन का। तो यहाँ पे मैंने इस पिक्चर के अंदर कलर नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बस हमें आउटलाइन की करना है यहाँ पे, जिससे हमारा ड्राइंग परफेक्ट बना है वो पता चले। और इस तरह से हमारा पूरा ड्राइंग तैयार होगा। इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करने से हमारा ड्राइंग में काफ़ी सुधार होगा। ख़ास करके बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे बहुत सारे ड्राइंग रेडीमेड आते हैं, आप उसको देखकर प्रैक्टिस करिए। या तो मेरा वीडियो पूरा देखिए और समझने का पूरा प्रयास करें कि मैंने किस तरह से पूरा ड्राइंग तैयार किया है। इस तरह से हम आउटलाइन करते करते पूरा ड्राइंग परफेक्टली तैयार कर देते हैं। बहुत आसानी से हो जाता है। सिर्फ पेंसिल करने के टाइम पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये ड्राइंग रिवर्स होता है तो कई बार चीज़ें गड़बड़ हो जाती है बनाने के टाइम पे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से वही काम आसान भी हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपको आउटलाइन दिख रही है पेंसिल की, उसे हम इरेजर की मदद से अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। जब भी हम कोई बड़े फिल्म स्टार की फ़ोटो तैयार करते हैं तो यही स्क्वायर की मदद से हम तैयार करते हैं। और इसी तरीके का डिस्टेंस किस तरह से ड्राइंग में होता है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो ऐसी पोर्ट्रेट अच्छी सी तैयार होती है।
तो इस तरह से हमें जो भी रफ हमारी पेंसिल वर्क था वो हमने रफ कर दिया है और स्केच पेन की मदद से हमने पूरा पिक्चर अच्छी तरह से तैयार कर दिया है। अब हम ऑयल पेस्टल कलर का इस्तेमाल करेंगे और कलर पूरा फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं कलर बॉक्स ऊपर रख रहा हूँ जिससे आपको भी दिखे और यहाँ पे हम काम करेंगे। जो भी चाहो आराम से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्काई कलर का इस्तेमाल करूँगा। मैंने आउटलाइन हाफ ही तैयार किया है क्योंकि यहाँ पे हाफ ही पिक्चर हमें तैयार करना था, लेकिन मैं कलर यहाँ पे पूरे में कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा काम तैयार हो जाता है और थोड़ा जल्दी जल्दी कलर करने की अब कोशिश करेंगे और एक ही कलर को बार बार रिपीट करेंगे जिससे हमारा टाइम भी बचे और थोड़ा पिक्चर भी क्रिएटिविटी लगे। हर जगह पे अलग अलग कलर करना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए जिससे हमारा ड्राइंग जल्दी ख़त्म हो। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ की है, एक ही कलर को बार बार रिपीट कर रहा हूँ और जल्द से जल्द ख़त्म हो ये भी देखता हूँ। अब दूसरा कलर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा वर्क तैयार हो चुका है। अब वापस हम कलर को चेंज करेंगे और देखते हैं कि कौन सा कलर अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल करूँगा पीछे के लिए। ये पर्पल कलर है। देखिए यहाँ पे मैंने गलती किया है, तो यहाँ पे वो गलती पकड़ में आ गई है। जिस तरह से यहाँ पे बैग बनी हुई है तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी बैग आएगी। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जब कलर करते हैं तब भी पकड़ में आती है। तो यहाँ पे वही चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ और अच्छी तरह से वापस फिनिश करेंगे। तो कलर करने के टाइम पर हमें ये भी ध्यान देना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। खास करके जब हम हाफ हाफ ड्राइंग तैयार करते हैं तब उसके अंदर ऐसी गलती होना स्वाभाविक है। तो हमें कलर करने के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई ड्राइंग अधूरा नहीं रह गया है। अगर अधूरा लगता है तो तुरंत वापस पेंसिल या स्केच पेन की मदद से उसे पूरा करें। तो इस तरह से हमारा ड्राइंग पूरा तैयार हो चुका है। अब ग्रे कलर का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़्यादातर जो यूनिफॉर्म होती है वो ग्रे कलर की रहती है या वाइट कलर की। ऑयल पेस्टल कलर करने में मज़ा बहुत आता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं और तुरंत ही पेपर पे लगाने पे वो काम शुरू कर देता है।
ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ब्लैक कलर की बॉर्डर से, आउटलाइन से बाहर ना निकले और वाइट कलर के डॉट ना हो। ऑयल पेस्टल कलर की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यही मुझे पसंद है। अगर कुछ ऐसा लगता भी है तो उंगली या थोड़ा टिश्यू पेपर उसके ऊपर घिसेंगे तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं ना उंगली घिस रहा हूँ ना टिश्यू पेपर, बस हल्का फुल्का रंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों का ड्राइंग है और बुक के अंदर करना है तो काफ़ी छोटी जगह रहती है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, बस हल्का फुल्का काम करके मैं छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे बुक के अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप ड्राइंग तैयार करते हो और किस तरह से कलर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कलर का काम भी पूरा हो चुका है। ग्रे कलर करने के बाद यूनिफॉर्म जैसा कुछ क्रिएटिव दिख रहा है। आप चाहे तो अलग अलग रंग की भी यूनिफॉर्म तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये ड्राइंग अंतरिक्ष के लिए है तो वहाँ पे ज़्यादातर वाइट कलर के ही यूनिफॉर्म होते हैं या ग्रे कलर के, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर इस्तेमाल किया है। और थोड़ा अलग तरीके से भी सोचते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हमारा ज़्यादातर काम फिनिश हो चुका है। अब कुछ हल्का फुल्का जो काम है वो यहाँ पे थोड़ा फास्ट कलर से फिनिश करेंगे। एक को मुँह के अंदर का जो सीन है वो, और यहाँ पे लाइट बॉक्स जैसा कुछ दिख रहा है उसको। बस हमारा ड्राइंग पूरा हो चुका है। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने पेंसिल से ड्राइंग किया, स्केच पेन से ड्राइंग किया, ड्राइंग पूरा करने के बाद किस तरह से ऑयल पेस्टल कलर का मैंने इस्तेमाल किया और पूरा ड्राइंग फिनिश किया। अगर आप लोगों को मेरी ड्राइंग अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।